हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोना, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी शादी नहीं मेहंदी हल्दी एंड संगीत का वीडियो, शादी वाला वीडियो रिसेप्शन, वो भी शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है एंड अगर आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो वाला वीडियो भी शेयर करूंगी। एंड मैं उड़ीसा से हूँ। एक ही शादी होती है सबकी, पुरानी शादी क्या होती है, एक ही शादी होती है सबकी, तो वही शेयर करूंगी। एंड गांव तो नहीं है बट जितना था वहां पे जैसे रिकॉर्ड हुआ था, जो भी मेमोरी था वो आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप अच्छा लगेगा। मैं उड़ीसा से हूँ तो सबके रिचुअल्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं, हमारे भी थोड़े अलग है। तो आप लोग देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। नो मामा नो, सब्सक्राइब कीजिएगा, बोलो। मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मैं नो 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 नो। तो यहाँ से स्टार्ट होती है एक्चुअली मेरी शादी की वीडियो। मतलब शादी से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे ये रिचुअल होता है कि जब कार्ड बटना स्टार्ट होता है ना, प्रिंट होके आता है, तब क्या होता है ना, सबसे पहले एक ऐसा पूजा होता है घर पे, उसके बाद ही सबको बांटा जाता है, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, जो भी है, जिनको भी। इसमें ये कौन सा पेड़ है, क्या है, मुझे नहीं पता, उतना नहीं नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कुछ पूजा होते हैं, पंडित जी आते हैं, सब सारे औरतों को बुलाया जाता है, कुछ धागा बांधने बोल, मतलब वो जो बोल रहे थे मैं वो करे जा रही थी। एंड मेरे गजरा उसी वक्त निकल गया था, मुझे पता नहीं, वो बहुत सुबह सुबह होता है ऐसे। यहाँ पे हल्दी कुटा जाता है, ये सब क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हो रहा था मैं आपको बता दे रही हूँ। हल्दी कुटा जाता है, फिर यहाँ पे बड़िया बनाई जाती है, जो कि शादी के बाद जब लड़की जाती है बाहर लेके जाती है ना, तो उसमें दिया जाता है, उसको बांटा जाता है, ससुराल वाले उसको बांटते हैं अपने फैमिली की तरफ कि हमारी बहू लेकर आई है ये सारी चीज। ये दहेज की बात नहीं है, ऐसे ही दिया जाता है। तो एक रिचुअल है। तो यहाँ पे मैं बड़िया डाल रही थी, थोड़ा बस मैं डाल रही थी पहले, उसके बाद सारे मेरी मामी, फिर जो भी मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे वो सारे कुछ डाल रहे थे, बना रहे थे, बढ़िया बना रहे थे। एंड एक्चुअली ये पूजा मेरा शादी के 7 दिन पहले हुआ था, किसी किसी केस में ये 1 महीने पहले भी ये करते हैं, क्योंकि कार्ड बटने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है। क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेरे शादी का स्टोरी जो शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूंगी वो वाला वीडियो, आप लोग देख लेना मेरी शादी की स्टोरी। उसमें मैंने बताया था मेरी बहुत कम टाइम में रिश्ता पक्का, शादी सब कुछ हो गया था। तो बस 7 दिन के बाद ही पूजा के बाद शादी हुई थी, तो उसके 3 दिन बाद ही मेरी मेहंदी की सेरेमनी हुई थी। वैसे ओडिया में ज़्यादा मेहंदी संगीत होती है आजकल, लेकिन बहुतों के घर पे नहीं भी होता है। तो 5 साल पहले शादी हुई थी, तब नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे, कुछ ऐसे छोटा सा घर में ही जो थे वहाँ पे फैमिली रिलेटिव्स, मेरे कज़न सब लोगों के साथ ही थोड़ा सा मेहंदी बनाया जा रहा था। देखिएगा ये घर ही है मेरा, घर में हो रहा था ये मेरे फ्रेंड्स है, मेरी भाभी है, उनके बच्चे, सब लोग मेहंदी लगा रहे थे। लेकिन मस्ती हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि शादी में सबसे ज़्यादा मज़ा मेहंदी के टाइम, संगीत के टाइम आता है। वैसे संगीत वाला जैसे डीजे वीजे वैसा कुछ तो नहीं था, एंड ये है शादी के पहले वाला दिन, मतलब जो हल्दी वाला दिन है उसकी सुबह घर पे स्पेशली उस दिन पूजा हुआ होता है। पूजा होने के बाद जो भी लड़की मतलब दुल्हन शादी में पहनेगी, शादी का जोड़ा हो, ज्वेलरी हो, चूड़ी, सिंदूर, जितना भी कुछ वो वेयर करेगी, सब कुछ लेके मंदिर जाया जाता है। वो मेरी बड़ी माँ, मासी, मेरी मामी, मम्मी सब लोग थे, वो सारी मेरी शादी का जोड़ा, दुपट्टा, चुन्नी, ये सब लेके मंदिर जाएंगे, वहाँ पर पूजा होगा। एंड एक और चीज़ होता है हमारे में कि वहाँ पर जो ये पानी लेके जाते हैं ना जग में, वो क्या करते हैं ना कि 7 घरों
घरों से पानी लेके आते हैं। उसी पानी में क्या होता है ना कि जब हल्दी लगता है उसके बाद नहलाते हैं वो दुल्हन को, उसके बाद होती है शादी। तो वो लोग मंदिर गए थे, मंदिर में पूजा होता है, मतलब वो तो होता ही है, मंदिर में वो सारा का पूजा होता है, दुल्हे के लिए भी जो सामान दिया जाता है तो वो भी वहाँ पर पूजा होता है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पर ये कुछ कुछ रिचुअल्स है क्या, या फिर आपको पता है ये सब, मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या आप लोग या फिर आपके यहाँ पर कैसे होता है ये भी बताइएगा। एंड कोई उड़ीसा से है ये देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा नीचे। तो यहाँ पे पूजा हो गया था, फिर वो लोग जैसे कि मैंने बोला था कि पानी लाया जाता है, तो उस मंदिर के पास कोई घर उतना ज़्यादा नहीं था, तो वही लोग मतलब जो भी था उन घरों से पानी लेके आ रहे थे। मतलब 7 बार आपको पानी लेना है, 7 डिफरेंट डिफरेंट औरतों से, अलग अलग औरतों से, तो वो आपस में ही लेके आ रहे थे। वैसा होता है कभी कभी, ज़रूरत होता है। वैसे ये तो नदी में जाके या फिर रिवर कुछ होता है पास में, कुएं से ऐसा कुछ लेके आते हैं। मेरे घर के पास वहाँ पर कोई भी नदी वदी कुछ है नहीं उतना, मतलब दूर है हमारे घर में भी गाँव में। एंड ये वाला है शाम हो गया, हल्दी वाली शाम है। एंड मैंने यहाँ पे जान नॉर्मली क्या होता है ना हल्दी के टाइम में येलो कलर का साड़ी पहनते, लेकिन मैंने यहाँ पे ये कलर का पहना था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्यों पहना था, मुझे जो दिया गया था उस वक्त। आप लोग बताते, बहुत सारे लोग बोलते दीदी आप हमेशा लिपस्टिक लगा के रखती, वो तो अभी अभी हो गया पता, यूट्यूब के बाद में इतनी हो गई, नहीं तो पहले देखिए मैं हल्दी, मेरी हल्दी थी, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। एंड मुझे मज़ा इसीलिए आ रहा था क्योंकि चलो कुछ कुछ मैं दूसरों की शादी देख रही थी, मेरी शादी हो रही है, मुझे बड़ा सा अजीब सा लग रहा था उस वक्त, और कुछ नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी उस वक्त। चले वो तो एक फनी पार्ट था। ये मेरी नानी है, ये मेरी बड़ी माँ है। ये जो चक्की होता है ये हल्दी के रिचुअल में क्या होता है ना, इसमें पीसते हैं सारा जो दाल होता है, उड़द दाल वगैरह सब कुछ पीसते हैं यहाँ पे। आप लोगों के साइड में ऐसा होता है क्या ये बताइएगा मुझे। एंड यहाँ पे ना पान का पत्ते या फिर हल्दी सब कुछ रखे कूटा जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे ये रिचुअल। उसके बाद स्टार्ट हुआ था हल्दी का सेरेमनी। एंड वहाँ पे हमने लगाया हुआ था, मैंने ऑलरेडी सबको बोल के रखा था कि प्लीज़ आप फेस में मेरा उतना ज़्यादा नहीं लगाइएगा, मुझे हल्दी से थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, पिंपल्स आ जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ मिलाया नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा है, मुझे इसी के लिए पता नहीं क्यों ऐसा होता है, अभी अभी वो थोड़ा सा ठीक हुआ है होना, तो वही हल्दी लगा रहे थे। मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर वाले जो भी थे आपस में खेल के हल्दी लगा दिए थे। आपको दिखेगा आगे वीडियो में कि आप लोगों की शादी में आपके फैमिली कज़न जिन लोगों की शादी में ऐसा होता है कि दुल्हन के साथ साथ बाकी लोगों के साथ भी होली नहीं हल्दी खेली जाती है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे होता है कि सब लोग आपस में हल्दी की होली खेल देते हैं। ये भी मेरी एक बड़ी माँ है। एंड देखिए सबके चेहरे पे रंग गया है यहाँ पे हल्दी। यहाँ पे मुझे अलता लगाया जा रहा है अभी। एंड ये सर आई थिंक हल्दी सेरेमनी मोस्ट सब लोगों का सेम ही होता है, तो आप लोग यहाँ पे कैसा होता है देखिए। मेरे हल्दी में मेरे से ज़्यादा सब लोगों के चेहरे में होली लग गई, हल्दी की होली में बोल रहे थे ना, हमारे साइड में ऐसे ही होता है, सब लोगों के चेहरे पे हल्दी लगाते हैं अच्छे से। ये है मेरी नानी एंड ये उनकी मम्मी, मतलब मेरी बड़ी नानी जो अभी भी है, तो वही बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। एंड यहाँ पे अभी लास्ट उस दिन का रिचुअल था ये कि जो पानी सुबह लाया गया था उसे नहलाया जाता है। फिर मैं मिलती हूँ आपको शादी वाले वीडियो में। ये वाला फोटो देखो जयमाला की है। एंड यहाँ पे हम लोग ऐसे, मैं थोड़ी सी चब्बी दिख रही थी उस वक्त, मैं ना हाँ चब्बी थी थोड़ा, अभी पतली हो गई, काम कर कर के काम करवा करवा के मुझे पतला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला एक फोटो है, बहुत लोग बोलते हैं आपके शादी का फोटो दिखाओ, तो ये वाला एक फ्रेम है बस।
एंड तो आई होप आप लोगों का मेरा शादी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलती है एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। मैं मोना, बाय गाइस, टेक केयर।